गुलरिया थाने की पुलिस ने शाती लुटेरों के गैंग पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने 4 शाती लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 अदद देसी तमंचा, जिंदा कारतूस, लूट के 2 मोबाइल सहित 1090 रुपये नकद धनराशि, 1 पेटी देसी शराब और घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल बरामद किया है। वहीं घटना का खुलासा करते हुए SP नॉर्थ अरविंद पांडे ने बताया कि विगत दिनों पूर्व गुलरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत लाइसेंसी देसी शराब की दुकान पर हुई लूट में शामिल 4 शाती लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि इनका आपराधिक इतिहास भी है। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटी गई देसी शराब, नकदी सहित इनके पास से अवैध देसी तमंचा और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। इस दौरान CO चौरी चौरा रचना मिश्रा मौजूद रहीं। शाती लुटेरों को गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना गुलरिया प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार राय, सरहरी चौकी प्रभारी धनंजय कुमार राय, उप निरीक्षक गोपाल यादव, आर्ची अरविंद कुमार दुबे, विकास यादव, राहुल कुमार और कांस्टेबल अभय शंकर पांडे शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP नॉर्थ अरविंद पांडे ने कहा, लूट लूट ज़्यादा हुई थी नहीं तो माल ज़्यादा गया था तो बाद में बरामद हो गया। कोई नहीं आएगा वहाँ से बताओगे ना आपको इनको बाहर फोटो खिंचा लेंगे चलो बाहर इनको दूर मानती है कि हम सबसे मजबूत अभी है अगर कोई चपेट नहीं तो हम और आप लोगों को भी लगा धोखा वाला मास्क लगा दीजिए। जागर वाला भी लगाया है हमने अपने यहाँ डस्टबिन में सोडियम हाइपोक्लोराइड का घोल बनवा रखा है उसमें जाकर भैया कुछ भी करो कि जिंदगी तो नहीं रोकी जाएगी ना थोड़ा और डिस्टेंस ये है वो वाली लूट थी जो आप कह रहे थे सवेरे की हो जाए 4-5 हज़ार में वो का मोबाइल भी छीन लिए थे और वहाँ से निकलते समय 3 पेटी दारू उठा शराब देसी शराब उठा लिए थे। मोबाइल एक अजय ले लिया था, एक कमुद्दीन ले लिया था, अपने घर ले गया उसमें से पिए खाए थे, एक पेटी बचा था। तीनों पेटी खा लिया था जी। मास्टरमाइंड अजय यार निर्देशन में सब काम किए हैं, वही प्लान किया था, प्लान करके चारों को ले गया। देखिए 28 जून को सरहरी में एक शराब की दुकान से लूट की घटना कारित हुई थी। उस चीज़ को लेकर जो है आज हमारे से गुलरिया को इससे संबंधित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। 2 पेटी शराब भी इनके द्वारा बरामद की गई है। घटना में जो सेल्समैन थे उनके 2 मोबाइल लूटे गए थे वो भी बरामदगी हम लोगों के पास में है और घटना में जो 2 मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुई थी वो भी बरामद है। एक तरह से कह सकते हैं कि जो है कि बहुत अच्छी रिकवरी हुई है, घटना का खुलासा हुआ है, 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं, उनको जो है जेल भेजा जा रहा है। उसमें से सिर्फ एक आशीष निषाद नाम का व्यक्ति है, ये जो है 2013 में NDPS के मुकदमे में जेल गया है और 2018 में एक चोरी की बरामदगी के। उसके अलावा जो बाकी अभियुक्त हैं उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री इससे पहले नहीं थी। एक तो जो है बैंड में जो वो बजाता था, बैंड में जो बाजा बजाता था, एक वो उसकी क्या थी अजय यादव के मिठाई की दुकान से हाँ कमरुद्दीन का बैंड बजा था, बैंड बजा एक पाइप अजय यादव की थी और एक कमरुद्दीन की।